शनिवार को जिला आर्य सभा मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद की शाखा के बैनर तले मुरादाबाद के आर्यवीर वीरांगनाओं ने अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर में वैदिक यज्ञशाला बनाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। जिला आर्य सभा जनपद मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष अजय सिंह आर्य के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर में वैदिक यज्ञशाला बनाए जाने की मांग को लेकर आर्य उप प्रतिनिधि सभा ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से जिला आर्य समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने श्री राम मंदिर परिसर में वैदिक यज्ञशाला और संध्या वाटिका बनाए जाने की मांग को उठाया है। ज्ञापन के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए केंद्रीय आर्य सभा के मंत्री रमेश आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जिला आर्य समाज की ओर से अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर में वैदिक यज्ञशाला का निर्माण हो और वहां सतत यज्ञ होता रहे, इस मांग को लेकर हम ज्ञापन दे रहे हैं और वहां दैनिक यज्ञ हो और चारों वेद वहां रखे जाएं और एक संध्या वाटिका बने ताकि भगवान राम के विचारधाराओं के ओतप्रोत लोग वहां संध्या करें। अच्छा, आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज ये जिला आर्य समाज की ओर से अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर में वैदिक यज्ञशाला का निर्माण हो और वहाँ सतत यज्ञ होता रहे, ये हमारी मांग को लेकर हम ज्ञापन दे रहे हैं। ताकि देखिए, जब भगवान राम का जन्म यज्ञ के माध्यम से हुआ और भगवान राम यज्ञ की रक्षा के लिए ही विश्वामित्र के साथ गए और उसके पश्चात उनका सारा जीवन यज्ञ में रहा। भगवान राम दोनों समय वैदिक संध्या करते थे, तो ऐसे अवसर पर अगर अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में केवल भगवान राम की मूर्तियां ही होंगी तो उससे एक उनके जो आदर्श है, एक उनका एक युगों युगों तक गतिमान आदर्श है, उसमें कहीं अभाव का दृष्टिपात होगा। तो आर्य समाज हमेशा भगवान राम और उनके वंशजों के चरित्र के आदर्शों को सतत गतिमान कर रहा है और इसी आशय से आर्य समाज ये मांग करता है जो वहाँ ट्रस्ट बना है उससे कि अयोध्या परिसर में एक व्रत यज्ञशाला हो वहाँ और वहाँ दैनिक यज्ञ हो, चारों वेद वहाँ रखे जाएं और एक संध्या वाटिका बने ताकि भगवान राम की विचारधाराओं के ओतप्रोत लोग वहाँ संध्या करें। परमात्मा महाराज हुए हैं मानधाता। मानधाता महाराज ने जितने भी इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए हैं उन्होंने अपनी धर्म की वृद्धि के लिए और राज्य की स्थापना किए, विजय के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। लेकिन महाराज मानधाता एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने राज्य की वृद्धि के लिए नहीं, धर्म की वृद्धि के लिए अपने जीवन में विश्व में सृष्टि से लेकर और राम के समय काल तक उन्होंने 101 अश्वमेध यज्ञ कराए। तो हमारी ये मांग है कि जो अयोध्या में यज्ञशाला बने वो महाराज मानधाता महाराज के नाम से ये यज्ञशाला हो। ऐसे मांग को लेकर हमने 2020 में भी जो अयोध्या में ट्रस्ट बना था सामान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उनके 27 सदस्यों को हमने रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से ये मांग रखी थी, लेकिन वो मांग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हुई। इसलिए जिला आर्य समाज मुरादाबाद आज ये पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रही है और उनसे मांग की गई है कि अयोध्या में एक वृद्ध यज्ञशाला बने। इस मौके पर अजय सिंह आर्य, ज्ञानेंद्र सिंह गांधी, त्रिलोक चंद्र दिवाकर, विनोद कुमार गुप्ता, मुगरा सिंह आर्य, गजब सिंह आर्य आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।